So this is a bridge, guys, and it's absolutely beautiful. And here is Marine Drive starts here. So this is Marine Drive, which way you can go to Dobbo Dam. 10 किलोमीटर लगते हैं आपको अप्रॉक्स बस स्टैंड से. लोग यहाँ आ रहे थे तो हमें बहुत ही खूबसूरत ब्रिज मिला. मेरे पीछे देख पा रहे हैं, आपको दिखाता हूँ. एंड ये जो नदी है ये भी सुंदर देखा है, काफी अच्छा नजारा है, वंडरफुल. ये मेरी धन्नो जिस पर मेरी वाइफ सवार है, ब्यूटीफुल. यहाँ से आप सनसेट का भी नजारा ले सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग. मैं हूँ ताहिर एंड यू आर वाचिंग रोविंग बीच. एंड आज का जो हमारा ब्लॉग है वो सतनाला डैम से रिलेटेड है, जिसे डोगो डैम के भी नाम से भी जाना जाता है. तो आज हमने जिस डैम को एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ की खूबसूरती, जो कि बेहद खूबसूरत है. एंड ये अभी के टाइम पे हमारे सिटी में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस हो चुका है. एंड काफ़ी सारे टूरिस्ट जमशेदपुर और बाहर के भी आते हैं. तो चलिए इस डैम को एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की खूबसूरती एंड पीपल गैदरिंग. तो बी विथ मी ऑन दिस वीडियो. तो गाइस यहाँ लोग आते हैं और इस तरीके के एक्टिविटीज़ करते हैं, देख पा रहे हैं, बड़े तो बड़े बच्चे भी. एंड दिस इज़ द डैम व्यू भाई, काफ़ी खूबसूरत है. लोग इससे उतर भी गए हैं. अगर मान लो डैम खुल गया तब तो आफत हो जाएगा. तो गाइस चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं ऊपर से कि कैसा दिखता है ये प्लेस. तो अभी भी थी इन दिस वीडियो. ये देखिए यहाँ से लोग ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और ये भाई साहब ऊपर चढ़े हुए हैं. पता नहीं क्यों इतने रिस्क लेते हैं, आए एंजॉय करें घर जाए. एंड वो भाई साहब तो और भी ऊपर गए हुए हैं. तो दिस इज रिस्की गाइस, आप आते हैं एंजॉय करें फैमिली के साथ. वो बच्चे को देखिए कितने ऊपर जा रहा है, गिर सकता है, स्लिप कर सकता है. तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग. तो फ्रेंड्स ये तो डैम व्यू, अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ, देख सकते हैं आप. एंड काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का, आप पाएंगे सिनेमैटिक शॉट अगर आप लेना चाहते हैं. एंड फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा प्लेस है क्योंकि बहुत सारे फैमिली भी आए हुए हैं यहाँ पर. एंड आई वुड सजेस्ट यू प्लीज़ विजिट दिस प्लेस. एंड हम लोग को यहाँ से ऊपर जाना है. सो फ्रेंड्स काफ़ी मशक्क़त के बाद हम लोग ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं. एंड दिस इज़ द ब्रिज व्यू. तो थोड़ा चलना पड़ेगा आपको अगर आप यहाँ आते हैं. तो चलिए आगे का भी आपको एक्सप्लोर करते हैं. काफ़ी क्राउड है आज. इस प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त है दिसंबर एंड जनवरी का, ठंड के टाइम, क्योंकि काफ़ी चलना पड़ता है. अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो ये हमारे सिटी बस स्टैंड से 10 किलोमीटर की दूरी पर है. तो आप इजली यहाँ पर विजिट कर सकते हैं वाया कैब और ऑटो. अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो वो और भी ईजीएस्ट वे हुआ आपके लिए. तो आपको सिंपली गूगल मैप में टाइप करना होगा डोबो डैम. डोबो डैम इस डैम को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये पूरे एरिया को डोबो डैम कहते हैं, सॉरी डोबो कहते हैं. एंड काफ़ी बेहतरीन प्लेस है. आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ विजिट हियर विथ योर फैमिली फॉर ए पिकनिक पर्पज, और ऐसे भी आप एक्सप्लोर करने आ सकते हैं. सो दिस इज़ द बेस्ट बेस्ट प्लेस आई एवर सीन इन जमशेदपुर.
और अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं और आप यहाँ ठहरना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है सेंटर पॉइंट, जो यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप एक अच्छी हॉस्पिटलिटी चाहते हैं तो उसके लिए यह सबसे बेस्ट होटल रहेगा आपके लिए। एंड इसके अलावा अगर आप और भी होटल्स देखना चाहते हैं तो सैकड़ों होटल्स हैं यहाँ पर आपके नियर बाई लोकेशन में, तो आप आ सकते हैं और उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं नीचे का व्यू। एंड दिस इज द क्राउड, यू कैन सी काफ़ी क्राउड्स हैं आज क्योंकि संडे है एंड सारे लोग पिकनिक के पर्पज़ से आए हैं यहाँ पर। एक्चुअली हमारी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मेरी एंड मेरी वाइफ की, सो उसके रीज़न हम लोग संडे को ब्लॉग शूट नहीं कर पाए। एंड टुडे इज संडे एंड आज हम लोग ब्लॉग शूट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ऑन वेंसडे यू विल गेट गुड व्लॉग फ्रॉम आवर एंड। तो लास्टली आपको यहाँ से एक व्यू दिखाते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत है। सो दिस वॉज द व्यू ऑफ लाइक बॉटम बॉटम व्यू यू कैन से। एंड अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल व्यू फ्रॉम टॉप, यू कैन सी पीछे पहाड़ है, नदियाँ बह रही है, यहाँ लोग इंजॉय करते हुए। ओह माय गॉड, अगर यहाँ डैम ओपन हो गया तो भाई ये लोग फंस जाएंगे। मैं भी सोच रहा था कि नीचे जाकर ब्लॉग बनाऊं, लेकिन तबीयत काफ़ी ख़राब है हमारी एंड डॉक्टर ने कहा है पानी से दूर रहो, तो जितनी दूरी बना के रखेंगे उतना हेल्थ के लिए अच्छा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो आपको नीचे उतर के भी डैम का व्यू दिखाएंगे। तो एज ऑफ नाउ ऊपर से ही आप इंजॉय करें। To the city streets, we began to feel the fire. तो फ्रेंड्स ये है एंट्रेंस यहाँ का जहाँ से हम लोग इंटर किए हैं एंड हमारे राइट हैंड साइड में पार्किंग है। एक्चुअली पार्किंग का कोई ऐसा सुविधा नहीं है यहाँ पर, बट यू कैन पार्क हियर ऑन इट्स बम्बू के अंदर आप गाड़ी लेकर नहीं आ सकते। तो हम लोगों ने यहाँ अंदर गाड़ी पार्क किया है, कहाँ पर है गाड़ी, वो अंदर जाकर निकालना होगा। This is my scooty. देख रहे हो, आपने इससे पहले नहीं देखा होगा ना, ये है मेरी धन्नो। सो फ्रेंड्स ऑनेस्टली हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया यहाँ। हमारी तबीयत खराब थी बट यहाँ आकर काफ़ी फ्रेश महसूस हो रही है एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस यू कैन से फॉर पिकनिक स्पॉट, यू कैन से और लाइक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस। सो हमें यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लगा एंड आई होप आप भी यहाँ आए और इंजॉय करें। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पर अपने ब्लॉग को एंड करते हैं एंड मिलते हैं आपसे अपने नए ब्लॉग में। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स, जिनसे हमें सीखने को मिलता है एंड इसके द्वारा हम अपने वीडियोस को इन्हांस कर सकते हैं, हमारे ब्लॉग को इन्हांस कर सकते हैं, क्योंकि वी आर नॉट लाइक प्रोफेशनल इन दिस फील्ड, तो हम अभी सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग करियर। सो सपोर्ट करें और जो लोग नए हैं हमारे चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड इट कैन रियली हेल्प एंड मोटिवेट अस। सो टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग, थैंक यू।